ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्रदेव अस्त होने वाले हैं, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 28 अप्रैल 2024 की सुबह है, 7:27 पर शुक्रदेव मेष राशि में अस्त होने वाले हैं और 19 मई 2024 तक शुक्र मेष राशि में मौजूद रहने वाले हैं और अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। शुक्र के अस्त होने से कई राशि वाले जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वहीं कई राशि वाले जातकों के जीवन में इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों, आपके राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, तो इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है और इनको दैत्यों का गुरु भी माना जाता है। शुक्र को व्यापार का, काव्य कला का, संगीत का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटे भोजन का और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शुक्र का प्रभाव होता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी माने जाते हैं, स्त्री संजक ग्रह माने जाते हैं और यदि जन्म कुंडली पर शुक्रदेव शुभ अवस्था में विराजित हो तो जीवन साथी का भरपूर सहयोग जीवन में प्राप्त होता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से जातक की वाणी में और जातक के व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण देखने के लिए मिलता है। शुक्र अगर बलि हो तो जीवन में सभी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख आसानी से ऐसा व्यक्ति अर्जित कर लेता है। अगर शुक्र की अवस्था बहुत ही शानदार हो तो ऐसा व्यक्ति कई भूमि, कई भवन, कई वाहन का मालिक जीवन में बनता है। यही शुक्रदेव जब जन्म कुंडली पर कमजोर अवस्था में विराजित हो तो करियर के मामले में दबाव का सामना करना पड़ता है। मानसिक परेशानी, यौनांगों में, जननांगों में समस्या, वहीं मान सम्मान की कमी तथा वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पुरुषों की कुंडली में अगर शुक्र कमजोर होते हैं तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में काफी तनाव का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृषभ राशि वाले जातकों, आपकी राशि राशि चक्र की द्वितीय राशि मानी जाती है और आपके राशि और आपके सिक्स हाउस के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। 28 अप्रैल 2024 को आपके द्वादश भाव पर अस्त होने वाले हैं। कुंडली के द्वादश भाव से विदेश, हानि, मोक्ष, हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, सैया सुख के बारे में विचार किया जाता है। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मिला जुला प्रभाव इस परिवर्तन से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में अप्रत्याशित धन लाभ होने वाला है, यानी आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की अड़चन धन के मामले में आपको परेशान कर रही है तो यहां पर आप अपने जीवन में पैतृक संपत्ति को भी अर्जित कर पाएंगे। शेयर मार्केट से भी आप धन अर्जन कर सकते हैं तथा वृषभ राशि वाले जातक व्यापारिक स्रोतों से धन लाभ अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में रचनात्मकता में वृद्धि होने वाली है और क्रिएटिव क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। यानी इस समयावधि में यदि आप संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य या किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके लिए उल्लेखनीय सफलता देने वाला है। इस समयावधि में शुक्र की सप्तम दृष्टि अपनी मूल त्रिकोण राशि और आपके छठवें भाव पर पड़ने वाली है।
तो आपके जीवन में यदि आप कर्म क्षेत्र में कोई गहरा बदलाव कर रहे हैं, खास बदलाव कर रहे हैं, तो आपको काफी सावधानी पूर्वक बदलाव करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। और शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, तो वैवाहिक जीवन में आपको क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर जीवन साथी के प्रति किसी प्रकार का कड़वा शब्द बोलने से आपको बचना होगा। और इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में सेहत का भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं और आपके द्वादश भाव पर 21 दिन के लिए अस्त हो रहे हैं, तो आपको इस समयावधि में गले में दर्द, पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती है। तो वृषभ राशि वाले जातकों को खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलें और सोने जागने की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलें। गर्मी का समय चल रहा है, तो आपको इस समयावधि में डिहाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए। लिक्विड चीजों का ज्यादा से ज्यादा, मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन आपको करना चाहिए। अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, तो ओम भार्गवाय नमः इस मंत्र का जप करना शुभ रहने वाला है। साथ में इस समयावधि में यदि आप शुक्रवार के दिन गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।